दोस्तों, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। साथ में इसका मैं रिव्यू भी दूंगा कि एक स्पाइडर का सबवूफर कैसा है, क्वालिटी कैसी आ रही है। तो आजकल स्पाइडर के वूफर्स मेरे को कई जने कमेंट कर चुके हैं कि एक बार इसका भी आप रिव्यू करो कि कैसा है। फिलहाल मैं 8 इंच का जो सबवूफर है उसको मैं ETOS गाड़ी के अंदर लगाऊंगा कि कैसे लगाना है। आपको एक्सपाइडर की बहुत सारी आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी। आपको ओपन में भी 12 इंच का सबवूफर मिल जाएगा, प्लस आपको 12 इंच का आपको बेस ट्यूब के अंदर भी आ जाएगा। फिलहाल ये रहा बेस ट्यूब 12 इंच का है। फिलहाल मैं आपको 8 इंच का भी, मैं जो अभी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं 8 इंच का आपको सुनाऊंगा। नॉट बैड मैं सुना है मैंने। फिलहाल फिर भी आपको मैं रिव्यू दूंगा, आप कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। और जिसके पर एक्सपायर का सब वूफर है, कुछ भी है, तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि अपना रिव्यूज़ दे सकता है कि बैड है, अच्छा है, कैसा है, बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। वायरिंग तो पहले से कर रखी है, तो सबवूफर का थोड़ा डायमेंशन वगैरह आपको बता दूंगा कि क्या क्या है और कितने वोल्ट RMS का है। इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद में फिर इसको हम लगा के दिखाएंगे कि कितना बढ़िया तरीके से ये परफॉर्म करता है। खोलते हैं हम इसको, अंदर आपको सिर्फ बॉक्स मिलने वाला है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, इसके जो बेस ट्यूब की क्वालिटी है वो कैसी है, और इसके अंदर एक एम्पलीफायर भी लगा हुआ है वो भी देखेंगे। दोस्तों, इसके अंदर आपको एक बेल्ट भी मिलेगी साथ में, जो आपके डिग्गी में लगेगी, जो इसको हैंग करने के लिए है। प्लस आपको एक्सपायर वाला मास्क भी दे रहा है, कोरोना टाइम के अंदर एक मास्क भी मिलेगा साथ में आपको, और साथ में आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा इसके अंदर। हाँ, वारंटी कार्ड को भरना ना भूले जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें, और ख़ासकर अगर मैनुअल है उसके अंदर तो मैनुअल को पहले एक बार ढंग से रीड करें, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लगाएं। तो दोस्तों, ये है एक्सपायर का 8 इंच का सबवूफर है जो विद एम्पलीफायर आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो ये है आपका, इसके अंदर ही एम्पलीफायर इन बिल्ड है। इसके अंदर आजकल लोग एम्पलीफायर अलग से नहीं लेते, तो इसी के अंदर लगाना पसंद करते हैं जो भी छोटा मोटा सुनना चाहते हैं। फिलहाल इसके अंदर आपको ग्राउंड आपका प्लस 12 वोल्ट और REM लिखा है, रिमोट वायर। ग्राउंड आपका ग्राउंड चेसी के अंदर जाएगा। 12 वोल्ट इसके अंदर आपको सीधा बैटरी से कनेक्ट होता है जो हमारा, और REM ये हमारा सिस्टम से कनेक्ट होता है। जब हम गाड़ी को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा ये भी साथ में ऑन ऑफ होएगा। 12 वोल्ट का आपको फ्यूज़ भी 20 एम्पेयर का इसमें फ्यूज़ दे रखा है, प्लस आपने इसमें इनपुट दे रखे और आउटपुट भी दे रखे। अगर आपको दूसरी अगर पेटी जोड़नी है, कुछ जोड़ना है, तो इसी से आप आउटपुट दे सकते हो उसको। तो वॉल्यूम कंट्रोल दे रखा है, बेस दे रखा है, फुल दे रखा है। फुल पे कर दोगे तो आपको जो वोकल आता है वो इसमें आने स्टार्ट हो जाएगा। अगर बेस पे करोगे तो सिर्फ बेस ही आएगा, बेस की फ्रिक्वेंसी ही ये पकड़ेगा। बाकी आप बेस को आप बढ़ा सकते हो, इसके हर्ट्स 40 हर्ट्स से लेकर ये आपका है 200 हर्ट्ज़ तक है, 200 हर्ट्ज़ तक है। तो फिलहाल हम इसका अब हम डेमो देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से बज रहा है, कितना लो बजट के अंदर। इसका मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा आपको कि कितने का आपको ये मिल सकता है। स्पाइडर का जो मैं सब वूफर है, हमने कंपनी फिटेड स्टीरियो में ही फिक्स किया है जो टोयोटा का है। ये स्टीरियो बहुत बढ़िया लगाया दोस्तों, मैंने इसके फीचर्स वगैरह देखे तो बहुत बढ़िया स्टीरियो था। फीचर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और जो मोड्स दे रखे हैं आउटपुट्स के बहुत अच्छे हैं। फिलहाल हम सबवूफर की बात करते हैं। सबवूफर के में आपको 8 इंची का है जो अराउंड 200 RMS के करीब ये आपको देगा पावर। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी, बेस कितना पंची और कितना लो में जाता है, आज उसको हम देखेंगे। तो हम अपना वही साउंड चलाऊंगा, अल्टीमेट बेस सॉन्ग चलाऊंगा जिसके अंदर लो बेस और पंची बेस और हाई सब कुछ ही आ जाता है उसी एक ही सॉन्ग में। बाकी दूसरा सॉन्ग भी मैं चला के आपको दिखा दूंगा, दूसरा ट्रैक भी। तो मैं ट्रैक चलाता हूं दोस्तों। तो साउंड मैंने कर दिया था, अल्टीमेट बेस टेस्ट है ये। तो इसको मैं ऑलवेज मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, इस साउंड ट्रैक को। तो मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया बज रहा है। फिलहाल मैं डिक्की खोल के दिखा देता हूँ आपको, आपके टंग होने वाले हैं।
सकते हो आप, सुन सकते हो। परफेक्ट साउंड है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। आपको जो गूंज आ रही होगी मस्त, अपने 8 इंच के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वालिटी निकाल रहा है ये। आपने सुना कि स्पाइडर का 8 इंच का सबवूफर इन बिल्ड, इसके अंदर एम्पलीफायर था प्लस बेस ट्यूब थी, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बज रहा था। लो बजट के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ थी। अराउंड ये आपको 3-3.5 हज़ार के अंदर आपको ये बेस ट्यूब आ जानी चाहिए अगर आप होलसेल मार्केट वगैरह जाते हो तो। फिलहाल अगर दुकानदार के पास जाते हो तो यही आपको 4 हज़ार समथिंग की पड़ जाएगी, जो आप जैसा कस्टमर वैसा, आपको पता थप्पड़ पड़ता ही है कस्टमर को। तो मेरी तरफ से बेस्ट था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो छोटा मोटा सुनना चाहता, बेस अच्छा सुनना चाहता है, वो इसके पास इस स्पाइडर के बेस ट्यूब पे जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्पाइडर की और चीज़ें भी लाऊंगा। अवतार सबवूफर है आ रहा है, उसको भी मैं रिव्यू करूंगा। उसको मैं पाइनर के साथ, जो हमारा 12-11 है, उसके साथ मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कितना बढ़िया तरीके से दोनों कम्पीट करते हैं। कि अब भी पाइनर जो भी इन सेगमेंट में है 350-400 RMS के, उसमें अब भी कम्पीट में ऊपर रहता है या नहीं रहता है, देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय।